नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आप देखिए पीएचई टेलीविजन जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है और कहीं ना कहीं अपना बकाया वेतन जो है वो मांग रहा है, लेकिन उपराज्यपाल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा लग रहा है कि संज्ञान नहीं ले रही और सोच नहीं रही इनके लिए। और कहीं ना कहीं इस वक्त जो हालात हो रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन सुनने के लिए जो है वो राजी नहीं है और लगातार जो प्रदर्शन है वो हो रहे हैं। होशियार जी मेरे साथ जुड़ेंगे। होशियार जी, क्या लग रहा है कि जिस तरह से सरकार इस वक्त धमका रही है एम्प्लॉयज को, क्या काम होगा आपका? बिल्कुल, हमें अपने डेली वेजरों पे पूरा विश्वास है कि ये अपने हक के लिए अगर इनको रोडों पर भी आना पड़ा, जे आएंगे, लगातार 30 साल से इस डिपार्टमेंट को सेवा देते आ रहे हैं। कोविड के दौरान हमारे बहुत से साथी पॉजिटिव होने के उपरांत भी रेड जोन एरिया में जाके काम करते थे, तो हमारी उस समय प्रशंसा की गई थी, सिर्फ प्रशंसा, ना कि उसमें कोई बेनिफिट दिया गया। मगर उस वक्त हमसे काम लिया जाता है। आज हमें कहा जा रहा है कि अगर अपनी आप आवाज़ को बुलंद करोगे, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाओगे, तो आप प्रतिबंध लगाया जाएगा। हम इस प्रतिबंध को लगाने वाली कमेटी को सिरे से खारिज करते हैं। हम कड़ी निंदा करते हैं ऐसे ऑर्डर निकालने वाले को, क्योंकि हम लोग इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, तो हमें अपना हक चाहिए। अगर जिसको इस बात से परेशानी है कि ये नारे प्रदर्शन ना करें, उनको हमारी डिमांड को हल कर देना चाहिए। एक चीज आपने भी बोली और मुझे भी ये चीज पता, प्रतिबंध की आपने बात की, ये प्रतिबंध लगाने के लिए आपको देख रहे हैं, अगर ये काम करवा दे तो प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 75 महीने का वैसे। बिल्कुल, हम भी यही कहते हैं। इनको हमारी तीन डिमांडें, जो मुख्य डिमांडें हम उसी पे बात कर रहे हैं। एक तो थी हमारा पेंडिंग, वो हमारा 17 महीने का पेंडिंग वेज है, उसके साथ रेगुलेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत कम से कम 7 साल के बाद देना पड़ता है। मगर जितने प्रशासन आए उन लोगों ने सिर्फ टाइम निकालने वाली कोशिश की, वोट बैंक की तरह हमें इस्तेमाल किया गया, लगातार हमारे साथियों का शोषण किया गया और पॉलिसी के नाम पे सिर्फ बेवकूफ बनाया गया। आज सेवा देते देते 30-30 साल हो गए हमें इस डिपार्टमेंट को, किसी ने आज तक हमारी सुध नहीं ली, इसी वजह से हमें धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, कमेटी बनाई गई थी, श्यामलाल जी को सब पता था, दो मंत्री इनके पास पीएचई कैसे हैं जिनको सब कुछ पता था, इतना देखिए इतनी बड़ी तोहफे दो उनके पास हैं, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन कहे हमें कुछ पता नहीं, तो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी तो कर रहे हैं। वो कमेटियां टोटल टाइम किल करने के लिए बनाई गई हैं, तो उन्होंने खूब घूम फिर के टाइम वेस्ट किया। हमारे लड़कों को एक उम्मीद बनी, बल्कि तकरीबन सभी लोग जानते थे ये होना हमारे साथ धोखा ही है। बेशक ये कमेटी बना रहे हैं, बेशक ये आगे पीछे घूम रहे हैं, टोटल टाइम किल कर रहे हैं। 20 साल 25 साल से 30 साल से किस अफसर को ये नहीं पता ये लगे कैसे हैं, ये लगे कितने हैं, पुराने कितने हैं, नवे कितने हैं, सब कुछ पता, डाटा सारा इनके पास है। बहुत से ऐसे इनके कार्यकर्ता भी बोल लीजिए, मैंने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू किया, वो व्यक्ति ये कह रहा था कि ये बैकडोर एंट्रीज है, और मैंने उसको ये पूछ लिया आपको कितनी देर होगी भारतीय जनता पार्टी में आए हुए, 7 महीने वाला व्यक्ति भी ये कह रहा है कि बैकडोर एंट्री है, यानी कि उनको भी तोते की तरह पढ़ा दिया जाता है कि यही जवाब देना है जो अगर पूछे। ठीक है, अगर हम लोग बैक एंट्री वाले हैं तो यही बैक डोर एंट्री वाले जम्मू प्रोविंस में पानी की सप्लाई दे रहे हैं, जो फ्रंट डोर से आया हुआ वो दिखा दें, वो कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ से सप्लाई चला रहा है, कौन सी लाइनों को वो बिछा रहा है, ये बैकडोर वाले ही सारे काम कर रहे हैं। जम्मू इन्हीं के बलबूते पे पानी पी रहा है गर्मियों के सीजन में, तो कोविड के दौरान भी यही बैकडोर वाले काम कर रहे थे, फ्रंट डोर वाला घर में बैठा हुआ था। अब कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन, ऐसा लग रहा है कि बादल चढ़े हुए हैं, अगर इलेक्शन हुई जो आपके लिए कमेटियां बना रहे थे, आप उन कमेटियों को क्या देंगे उनको? वो तो बड़ी बात की बात है, हम इलेक्शन का वेट नहीं करेंगे। बहुत जल्दी आप देखेंगे एक बड़ा सा कार्यक्रम, जम्मू की सड़कों पे फिर पानी बंद की नौबत आने पड़ी, तो वो उसके लिए हम लोग तैयार। एक छोटा सा कार्यक्रम छाड़ नोटिस में किया था, सिर्फ अपने साथियों को अवेयर करने के लिए, जागृत रहें, समझदार रहें, किसी भी इलेक्शन में किसी के बहकावे ना आए, जब तक हमारी पॉलिसी नहीं बनती तब तक कोई इलेक्शन नहीं, बायकॉट हर इलेक्शन का,
जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होता ये जद्दोजहद चलती रहेगी, रोडों पे हम निकलते रहेंगे, अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। देख लीजिए, जब तक इनका फैसला नहीं होगा तब तक ऐसा ही होगा। इनसे पूछ रहा हूँ सर, G20 मीट होने वाली है, अब ऐसा लगेगा कि केंद्रीय मंत्रियों का जो दौरा है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ इलेक्शन होगी। आपका जो 75 महीने का वेजिस है, पार्लियामेंट सेशन भी खत्म हो गया, वो लड़ाई की भेंट चढ़ गया, लेकिन डेली वेजेस का नाम किसी के मुंह पे नहीं है। शुक्रिया आपका बड़ा बड़ा। देखिए सर, ये जो हमारे जो जितने भी यूनाइटेड फ्रंट के जो जितने भी हमारे डेली वेजर हैं, जो हमारे मेंबर हैं, हमने पहले भी कहा था हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, हमें G20 से कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही केंद्रीय मंत्रियों से कुछ लेना देना है। हमारा एक ही मेन मकसद है, हमारी रेगुलेशन पॉलिसी, जिसके लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि इन्होंने हर बार हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की। तो जहां तक रहा आपका सवाल कि इलेक्शन आने वाली है, देखिए हमारे पास तो एक ही है हथियार है, वो है वोट, वोट की चोट। अगर इन्होंने धोखा देके हमारे से 2014 में अगर सरकार बनाई हमारे साथ झूठे वायदे करके, तो आने वाली इलेक्शन में आप ये सोच लीजिए कि अगर इन्होंने हमारा काम नहीं किया तो क्या हम लोग इनको वोट देंगे। मैं तो शरेआम बोलता हूँ, मेरी टीम बोलती है, मेरे रिश्तेदार बोलते हैं, मेरे घर वाले बोलते हैं, मेरे यूनाइटेड फ्रंट के जितने भी मेंबर हैं और जितने भी हमारे डेली वेजर हैं वो सब बोलते हैं कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। हमने रविंदर रैना से भी बात की, उनकी कमेटियां भी गठित हुई, लेकिन उन कमेटियों का क्या रिजल्ट निकला? 0। यार आज इन लोगों की सुनवाई नहीं है, मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में इसका मतलब है फिर ये ब्यूरोक्रेसी है? ये सही बात है, ब्यूरोक्रेसी है, ये लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों के नाम पे ये अरबों रुपए यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन हमारा डेली वेजर सड़कों के ऊपर आज भी इस 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, आने वाले टाइम में 45 डिग्री टेम्परेचर, लोगों के घरों में पानी पहुंचाना, 24 घंटे में काम करना, लानत है ऐसे आई एस अफसरों के ऊपर कि जो डेली वेजरों का खून चूस रहे हैं, 72 महीने की पेंडिंग वेजिस, बताइए ये कौन सा हिंदुस्तान है? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर तरक्की की हो रहा है, तरक्की किसकी हो रही है? आईएएस के एस अफसरों की हो रही है कि आम पब्लिक की हो रही है? देखिए आम पब्लिक तो आपके सामने यहाँ पे नारे लगा रही है, ये बाहर स्मार्ट सिटी बन रही है, लोगों के ऊपर चलान थोपे जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी में कैमरे लगाए जा रहे हैं, मुझे बताइए ये डेली वेजर क्या करेंगे? स्मार्ट सिटी में कैमरा लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैमरे लगाएं, वहाँ पर जो रेड लाइट्स है वो काम नहीं कर रही, उसके बावजूद भी चलान आ रहे हैं लोगों को। हमारे डेली वेजर जिनके पास बच्चों के पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, वो कहाँ से स्कूटियां चलाएंगे, कहाँ से वो हेलमेटें लेंगे? एजुकेशन की अभी एडमिशन चल रही है, एजुकेशन का स्तर बहुत महंगा हो चुका है, क्या लग रहा है आपको इस वक्त जो सरकार को देना चाहिए, जिस तरह के आपका वेजिस है वो छोड़ना चाहिए था? देखिए जहाँ तक ये इसका स्कूलों का सवाल है, यहाँ पे स्कूलों पे आज भी डिटेल आई, मैंने अमर उजाला आज भी देख लीजिए, आज भी डिटेल आई थी अमर उजाला में, जो स्कूलों की जो फीसें हैं वो जो फिक्स की गई हैं। मुझे एक बात बताइए, एक डेली वेजर जो है अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेगा, क्या वो जो डिटेल के मुताबिक है वो पढ़ा सकता है? वो घर का चूल्हा चलाएगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा? ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे हिंदुस्तान में कि एक 9,000 रुपये के ऊपर एक 60,000 डेली वेजर आज सड़कों के ऊपर दरबदर है। आपने मिनिमम वेजेस के लिए बोला था कि हम मिनिमम वेजेस लगा देंगे, कहाँ गई वो? सबसे बड़ा बजट आया था J&K के लिए इस बार, उस बजट में डेली वेजर के लिए क्या? भाई साहब बजट ये है स्मार्ट सिटी के लिए है, जिसमें बड़ी बड़ी कमीशनें हैं, ये डेली वेजरों के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें डेली वेजरों को क्या दिया? जल जीवन मिशन चल रहा है, कितने हजारों करोड़ रुपए का ये मिशन चल रहा है, घर घर पानी पहुंचाना, हर घर जल। हाँ तो मुझे बताइए वो जल जो लोगों के घर में जो पानी पहुंचा रहा है वो कौन है? आज कितने यहाँ पे परमानेंट मुलाजिम है? सभी डेली वेजर यही है, लोगों के घरों में पानी पहुंचा रहे हैं, दिन रात काम करते हैं, गर्मी हो सर्दी हो धूप हो बर्फ पड़ रही हो, यही लोग पानी पहुंचाते हैं। तो क्या इनके लिए जो जल जीवन मिशन में क्या इनके लिए थोड़ा सा बजट नहीं रखा जा सकता था? ये सरासर हमारे साथ बेइंसाफी कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में इलेक्शन आने दीजिए, यही डेली वेजर मेरे भाई मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर घर घर जाएंगे, डिवीजनों में जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और इनके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, चाहे वो BJP हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो NC हो, चाहे ये गवर्नर की अगर ये यहाँ पे जो गवर्नर राज है, इनके खिलाफ हमारे नारे चलते रहेंगे जब तक ये हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर नहीं आ रही है, इनसे भी मैं बात करूंगा। आप यहाँ पे आ जाए, क्या लग रहा है जिस तरह से शॉर्ट नोटिस पे लोगों को बुलाया गया और लोग आए, अगला कार्यक्रम क्या होगा, किस तरह से? देखिए अगला कार्यक्रम ऐसा होगा कि हमारे यूनाइटेड फ्रंट की मीटिंग होगी, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग बुलाए जाएंगे,
जितने भी लोग जिन्होंने समर्थन किया हमें उनको भी बुलाया जाएगा, उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी, उसके बाद जो होगा कुछ डिवीजन में बंद किया जाएगा, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, हम उसके जिम्मेवार नहीं है, एलजी सरकार जिम्मेवार होगी, जब बड़े बड़े अधिकारी जिम्मेवार होंगे, बार बार स्पष्टन देते हैं आईएस अभी कह रहे हैं कि आर्डर लिख लगे, मेरे पास आर्डर है, ये मैं सोची कि नहीं है, ये लोग आर्डर कहते हैं आर्डर चाहिए, ये मेरे पास आर्डर है 99 का लगा हुआ, ये आर्डर है मेरे पास, आर्डर है हमारे पास, आर्डर है कोई बात नहीं, मैं उनको बोलता हूँ आर्डर चाहिए मेरे से ले लीजिए, करिए ना आर्डर, लेकिन करेंगे नहीं, करेंगे नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे भाई कुछ पिछले महीने चले गए हैं घर को, आधार कार्ड दिखाया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, उन्हें पूरी जवानी जो है इस डिपार्टमेंट को दे दी, उसका बकाया नहीं दिया गया, मुझे ये समझ नहीं आ रही है यार कि कौन सा इंसाफ है। हम एलजी साहब से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, एलजी साहब हम गरीब आदमी हैं जो घर को चले गए हैं, उनकी बेटियां की शादी करवाएं, बच्चे हैं, उनके लिए तो बकाया तो दे दो, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम कौन सी रियासत मांग, कोई कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, आप महापुरुष हो, बड़े बड़े काम कर रहे हो, बड़े अच्छे काम कर रहे हो, हम ये कहते हैं कि बड़े अच्छे काम कर रहे हो कि हमारे लिए भी कर दो, एक लोटा समुद्र से निकाल के हम भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे बच्चे आपको दवाई देंगे। देखिए एक चीज़ कही इन्होंने बड़ी अच्छी है, एक लोटा समुद्र से निकाल के हमें भी दे दो, आखिरकार जम्मू कश्मीर में तरक्की है, कितनी तरक्की है, कहाँ है, ये पता कराएंगे, इनसे पूछता हूँ। मियाँ अपना नाम दसो पहले। सीताराम जी। सीताराम जी कितनी देर हुई तुम्हें लगे थे? मैं लगे थे ये कोई 18-20 साल। 18-20 साल हुई है। जमीन दी है? जमीन कुत्थे दी थी तुम्हें? जमीन दी टू व्हीलर ओ पी दा दवा मना टू व्हीलर। अच्छा ते जुले तो है जमीन दी या जुले तो लगे है उले मंत्री केड़े है? उले मंत्री मार सब आई जगमोहन साहब रे अपना सरदार जी। अच्छा ते ओदे बाद तुहें मिलदा के हले तनखा के तोड़ी? तनखा मी थोंदी पहले 7,500 थोंदी ते हुन मेरे को 12-13 महीने हो गए पेंशन ही हो गए करी बैठे रे। अच्छा पेंशन ही करी ओड़ा? पेंशन ही करी ओड़ा। तो पेंशन ही के तो लगे लबया तुहें? कख नहीं थवा आए एक घर वो ट्यूबवेल का लब्बा अज भी चला रहे हैं उगे लब्बा भी। अच्छा और कख नहीं लब्बा? कख नहीं लब्बा। ते घर च परिवार च कौन कौन है? घर में 3 कुड़ियां एक लड़का मैं हां मेरी बीबी है। ते हुन तो रिटायर होई है किहे चला घर? घर फिर इयां आर्मी देने पानी फुलके फुलके लब्भी जांदे उधर आर्मी देने। आर्मी देंदे हां यार कि बाहर दिहाड़ी गै ला दियो? अज दिहाड़ी और के उठे जे डीपी जो हुंदा नहीं उठे भी। ते तुस के मैसेज देगे जेडे इले तो ही दिखा देना है एलजी साहब? हां जी के मैसेज देगे तुस के आगे होने हुन मैं जेड़ा आखा इये के आखा के आखना चाहिदा किसी को तुहाड़े बच्चे भी तुहाड़े बच्चे अंगर के ने बाकी जेड़े लगे ने तुस रिटायर होई दियो बाकी जेड़े इले डेली वेजर लगे ने कल की इने भी रिटायर करी के जुड़ना? इने भी इया जाना सुके के जाना जी क्या जाना सुके जी सरकार आखा दी बड़ा पैसा पीछे पैसे के असीं दित्ते नहीं ते के बड़ा होने असीं दित्ते के नहीं। देख लीजिए घर की जमीन भी ले ली गई, ट्यूबवेल भी बनाया, लेकिन रिटायरमेंट पे एक हार हाथ आया, ये बहुत अच्छी बात है, रिटायरमेंट पे एक हार हाथ आया, 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, बीवी है, अब पालेंगे किस तरह, क्योंकि डेली वेजर थे, डेली वेजर रिटायर हो गए और अब कहीं ना कहीं प्राइवेट काम करके अपना गुजारा चला रहे हैं। चलिए इनसे पूछता हूँ मैं, आप क्या कहेंगे जिस तरह से इन्होंने कहा कि मैं तो रिटायर हो गया, क्या लग रहा है आपका क्या? शुक्रिया सर। ये जे तो डेली वेजर थे साथ में लैंड ओनर्स भी थे और बहुत सारे ऐसे लैंड ओनर्स हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन आपने हार की बात की है, हार किसी ने नहीं पहना इनको, क्या हार पहना? मुझे एक चीज़ पूछनी है, आपने लैंड डोनर की बात की, जब ये लैंड डोनेट की गई थी इसको कहीं ना कहीं सरकार ने डॉक्यूमेंट में गिफ्टेड बना दिया जी, वो किस तरह हुआ? इन्हीं से गिफ्ट करवा लिया क्योंकि अच्छा। गिफ्ट ना टूट सकती है ना वापस आ सकती है ना ही ये केस कर सकते हैं, आप तो ये फंस चुके हैं। इन लोगों ने डिपार्टमेंट ने उस स्कीम को कैप्चर करने के लिए फेंसिंग करवा दी है। उस समय मंत्री श्यामलाल शर्मा जी थे उन्होंने कम से कम की अखनूर डिवीज़न में 650-700 स्कीम जो है ना वो नहीं बनाई है, आज तक 650 स्कीम जो है रनिंग है इस वक्त, यानी कि लोगों की ज़मीनें हाँ गई है, अब कौन करेगा, वो गिफ्टेड हैं कोर्ट में वो जा नहीं सकते। देख लीजिए ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये मैंने स्टोरी की हुई थी और मुझे ज़मीन के बारे में पता था, सरकार ने ज़मीन तो ली लेकिन डोनेट के नाम पर उसको गिफ्ट करवा लिया, यानी कि अपने खाते में डाल ली। अब जिस तरह से बहुत कुछ ऐसा होता है जो सरकार बताती कुछ है करती कुछ है, चलिए इनसे पूछता हूँ आपको क्या लग रहा है कुछ होगा आपके लिए? सर हुए बगैर हम जाने वाले हैं नहीं, तो हम अपना हक लेने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो जब तक ये अपनी हक नहीं मिलता हम घर नहीं जाएंगे। थोड़े दिन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठंडा हो गया था, प्रदर्शन नहीं हुए। ठंडा नहीं हुआ था सर, इन्होंने इनके कुछ अफसरान हैं जिन्होंने गारंटी ली थी कि हम आपका काम करवा देंगे, थोड़े दिन आप
शांत रहिए, शांत रहिए। तो हमने चलिए इनको टाइम दिया। आपको ये कहा गया थोड़े दिन शांत रहिए, लेकिन मीडिया में खबर ये डाली गई कि हमने नोटिस दे दिया है, कोई प्रदर्शन नहीं करेगा। सर नोटिस, ये आपने जो बात की नोटिस की, ये हमें कहते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लाई इनके खिलाफ नहीं बोल सकता है। हमने इनसे, हम इनके लेनदार हैं, हमने इनको देना कुछ नहीं है। हमने 80-80 महीने की तनख्वाह इनसे लेनी है। हमें तनख्वाह देंगे ना जिस दिन, फिर उस दिन हमारे साथ बात करेंगे। एक चीज़ और पूछूंगा, 9000 सैलरी के लिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, बच्चे को फैसिलिटी ही नहीं मिलती, आपको BPL राशन कार्ड नहीं मिलता, आप कहीं कोई सुविधा उठाना चाहें सरकार की वो नहीं मिलती 9000 सैलरी पर। आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ, मेरी छोटी बेटी है, क्या आपने सुना का सुकन्या योजना का नाम? तो वहाँ पर जब मैं उसका फॉर्म भरने गया तो उन्होंने बोला जिसकी सैलरी है, मतलब इनकम ईयरली 75,000 से कम होगी उसको वो स्कीम मिलेगी। तो 9000 में हमें ये भी नुकसान है, आपको वो योजना नहीं मिलेगी, वो योजना नहीं। ये बेटी बेटी पढ़ाओ या कन्या योजना, ये तो प्रधानमंत्री साहब की, ये थोड़ी पार्शलिटी होनी चाहिए, कोई सरकारी मुलाजम उसको नहीं देनी? सर BPL कार्ड नहीं बनते हमारे। लेकिन एक चीज़ मैं और पूछूंगा, जो बड़े पक्के अधिकारी हैं, एक एक 1.5 लाख सैलरी ले रहे हैं, इनको बच्चे पढ़ाने के लिए 50,000 से 60,000 तक मिल रहा है, इनको मिल रहे हैं, उनको क्यों मिल रहा है? सर ये तो गवर्नमेंट की पार्शियलिटी है ना। ये देखिए ना, 1.5 लाख सैलरी और बच्चे पढ़ाने के लिए पैसा। आप 9000 सैलरी, ना बच्चे पढ़ाने के लिए पैसा, ना BPL, कुछ नहीं। BPL नहीं, हमें इलाज नहीं, और मतलब जो भी हमारे लिए स्कीमें गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं हमारे लिए, वो बिल्कुल नहीं, हमें नहीं मिलती। एक कार्ड थमा दिया है, आयुष्मान कार्ड, उसको क्या करेंगे? वो भी कहीं चलता है कहीं नहीं चलता, उसको जेब में डाल के रख लें। देख लीजिए, कहीं ना कहीं आयुष्मान कार्ड दे दिया गया है, वो आप देखते रहिए और मोदी जी को निखारते रहिए और ये सोचते रहिए कि आप हिंदुस्तान में खुशहाल है, बरहाल है, लेकिन यहाँ वेजेस लेना है लेकिन दिया नहीं जा रहा, आश्वासन दिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं घुमाया जा रहा है। किस तरह से सरकारें चलाई जाती है, अभी राज्य को देखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।